हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं मनाली के ट्रिप पर ट्रेन से, और बहुत मज़ा आया हमें ट्रेन में। ये देखिए हम ट्रेन में कितनी मस्ती कर रहे हैं। भाई तो ट्रेन में भी फ़ोन चलाने से फुर्सत नहीं थी, बहुत मुश्किल से देखा। और हम बच्चों को लेके बैठे हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि बच्चों का शायद ये पहला सफ़र था ट्रेन का, जो बच्चे अपनी लाइफ में पहली बार बैठे थे। शायद मैं भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने लंबे सफ़र पे ट्रेन से गई थी, क्योंकि हमें ज़्यादातर ट्रेन में सफ़र करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम कहीं गए ही नहीं। हमारा सब कुछ दिल्ली में ही है, हमारा घर, हमारा ननिहाल, ददियाल, हम सब मतलब टोटल हम दिल्ली के ही हैं। तो इतना लंबा सफ़र हमने कभी ट्रेन से कहीं कभी नहीं करा। ये शायद मेरी ज़िंदगी का पहला इतना लंबा सफ़र था ट्रेन से, जो हम इतनी लंबे सफ़र में गए हैं। इतना मज़ा आया, हमने फुल एंजॉय करा ट्रेन में बहुत ज़्यादा, और इतनी बुरी भी नहीं होती है ट्रेन का सफ़र, बहुत मज़ा आता है ट्रेन के सफ़र में भी। और आप मानेंगे नहीं कि ट्रेन में हर चीज़ की फैसिलिटी थी, बहुत सुकून था, सब चीज़ें थी वहाँ पे आराम से। मम्मा देखो कितनी कंफर्टेबल होकर लेट भी गई हैं, मतलब पूरा अच्छा था। फिर हम मनाली पहुँच गए फ्रेंड्स, हमने आगे का सफ़र वॉल्वो बस से करा, और हमने बस में सफ़र करा। फिर हमने वहाँ होटल रेंट पे लिया, वहाँ का होटल का रेंट भी अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूँगी कि वहाँ का सफ़र में कितना खर्चा आ जाएगा, क्या तक लगा है, आप मुझे कमेंट्स करके बताना, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि आप वहाँ कैसे जा सकते हैं कम से कम खर्चे में, कैसे आप वहाँ पे पूरा एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ की नदी थी इतनी साफ़ और इतनी क्लीन नदी थी ना फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं, इतना साफ़ पानी था वहाँ का, बहुत और ठंडा एकदम, बहुत मज़ा आ गया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। देखो हुरैन को तो बहुत ही मज़े आ गए थे वहाँ पे पानी में हाथ डाल के, ये तो पानी को पी रही थी, इतना साफ पानी था, मतलब बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद हमने बहुत एंजॉय करा बहुत ज़्यादा। मम्मी ने, ये देखिए आप कितना प्यारा व्यू है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पानी ही पानी, इतना खूबसूरत नज़ारा था मनाली का। अगर आप भी मनाली का ट्रिप करना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा है वहाँ पे, बहुत कम जगह है नहीं देखने की, पर आप जाएं वहाँ, बहुत मज़ा आएगा फैमिली के साथ। ओके बाय।